दिल गदगद हो गया, जोरदार तालियां। माननीय मंत्री जी, हरियाणा सरकार और मोदी सरकार तक की आवाज जाए कि हिंदुस्तान में जहां हर 10वें 12वें घर में हरियाणा प्रांत से सबसे ज्यादा नफरी है, चाहे वो खेल का मैदान हो तो उसमें भी गोल मारे और ये महावीर रणजीत में मारे, तो पहला प्रदेश जिसमें अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया और मंत्री सदन बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान में, ओनली हरियाणा जिसके मंत्री भी आज आपके बीच में और कैबिनेट में आइए 25 और 30 के बीच में आप जाएंगे माननीय मंत्री जी, चंडीगढ़ में मीटिंग हो ताकि आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपके डायरेक्टर सब उसमें आए। तो महंगा पड़ गया है, हमें क्या नहीं जो आप लोग बताओगे, हमने किया कि अभी डायरेक्टरी रेलवे का और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये कोई मिलिट्री मोड का आपने मिल जाए सैनिक मोड का तो बढ़िया, तो वैसे अधिकारी कम है। एक बार हमने वो कैप्टन मनोज जो यहाँ एस एम डायरेक्टर गए उसको डायरेक्टर लगाया इस रेलवे, फिर हमने एक और डायरेक्टर हमें मिलिट्री मोड का मिला उसको लगाया, अच्छा अब एसीएस को हमने लगाया, ये विजेंद्रा सिंह है उसके फादर शहीद हुए थे, तो हमने कहा कि आप कम से कम सैनिकों के दुख दर्द को समझोगे, तेरा बाप शहीद हुआ था आप उनके सम्मान हो तो आप जरूर उनके दुख दर्द को समझते हो, एक सैनिक को क्या सकते बोले हाँ जी, तो हाँ जी तो बगा अपने मुख्यमंत्री जी से करके कि विजेंद्र सिंह को सैनिक स्थिति का महत्व है, इसको जानकारी भी और छोटी भी इसको ज़्यादा मिलेगी और इसके मन में एक भाव भी होगा कि मैं क्या करूँ तो क्या नहीं, तो हर स्टेप पे हमारा ध्यान अगर कैसे हम इस बात को आगे बढ़े मानता नहीं, बार बार माइक के पास मंत्री आ रहे हैं ताकि आप संतुष्ट हो और आने वाला कल आपका होगा जब पैरामिलिट्री के जवान जो देश के वास्तविक चौकीदार है सरहद होगी। अब तो फकर की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरहद के बीच में बीएसएफ के जवानों के बीच में दिवाली मनाते हैं तथा हिंदुस्तान में हाथ पैदा बताएंगे।